सीट कवर लगवाओगे हमारे से फ्लोरिंग तो फ्री में ही डाल देंगे आपको। अच्छा सीट कवर के साथ फ्लोरिंग फ्री। फ्लोरिंग फ्री। स्पॉइलर भी इस गाड़ी में लग चुका है, फुल्ली एबीएस वाला, ये देख लो, वो भी बॉडी कलर आरडी का, इसमें फॉग लैंप लगा है, एक बार आप देख लो। इसका बजट कितना बना भैया? इसका बजट भैया मात्र 14,000 रुपए। मात्र 14,000 रुपए। फुली बकेट वाले सीट कवर लगे हैं, 5 साल की गारंटी के साथ। स्टीयरिंग रैप इस गाड़ी में हो चुका है, प्लस स्टीयरिंग कंट्रोल इस गाड़ी में लग चुके हैं। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे भाई। ऑटोमेस्ट कार डेकर पे हम शौकत भाई के पास, क्या है शौकत भाई? बढ़िया भैया। तो आज टाटा पंच आ रखी है हमारे पास, बेस मॉडल। बेस मॉडल है? हाँ जी, एक बेस मॉडल। और काफी मतलब इस गाड़ी में मान लो कम बजट में बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है? तो डिटेल में आपको बताने वाले हैं क्या कुछ काम करते हैं। शौकत भाई क्या कुछ काम हो रहा है इसमें भैया? इसमें एंड्रॉइड लग रहा है, ठीक है, मैटिंग हो रही है इसकी, आपको कॉम्पोनेंट लग रहा है, स्पीकर्स लग रहा है, सेंटर लॉकिंग हो रही है, डोर वाइजर लग रहे हैं, आपको लोअर गार्डनेस लग रहा है इसका। बाकी सीट कवर के लिए भैया के पास अभी एक्चुअल में टाइम है नहीं, इनको शादी में निकलना, सीट कवर कल लगे, सीट कवर कल लगने वाले हैं। हाँ जी। तो गाड़ी का बजट कितना बना है? गाड़ी का ज़्यादा बजट नहीं गया होगा, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 के आसपास का बजट होगा। तो 20-25 हज़ार का इसका बजट रहने वाला है, ठीक है? तो पता चलने वाला है मतलब सीट कवर छोड़कर सारा ही मेन काम होगा। सीट कवर इंक्लूड करके 20-25 का बजट बन रहा है। अच्छा सीट कवर के साथ? हाँ जी, जो कि कल लगने वाला है। स्टीयरिंग रैप, स्टीयरिंग कंट्रोल सबके साथ। अच्छा ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, अगर आप टाटा पंच ले रहे हैं तो आपको पता चलने वाला है क्या कुछ आप काम करा सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी भाई गाड़ी की तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले बता दूं बेस मॉडल है, बिल्कुल बेस मॉडल है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है? जो भी कर रहे हैं भैया ही कर रहे हैं। फ्रंट में इसमें कुछ काम हो रहा है भैया? फ्रंट में भैया अभी तो नहीं हो रहा, कल होगा। इसका फॉग लैंप लगेगा अभी। अच्छा फॉग लैंप इस गाड़ी में लगना है? हां, इसका फॉग लैंप प्रॉपर। टाटा का है मिंडा का? ना टाटा का ना मिंडा का, आरडी का लगाऊंगा भैया। अच्छा, जो मतलब प्रॉपर पंच के लिए आती है। अच्छा ठीक है। देखिए इसका ब्लैक की क्रोम लगेगी आपको, ब्लैक की पट्टी जो आती है पंच पे, जो ब्लैक गार्निश आती है वो लगने वाली है। ब्लैक की गार्निश लगेगी। क्रोम का काम इस गाड़ी में नहीं होता है भाई, ब्लैक गार्निश का काम इसमें ज्यादा होता है, ठीक है? बाकी फ्रंट में मतलब कुछ पार्किंग लाइट का बल्ब चेंज करूंगा, येलो है उसको व्हाइट कर दूंगा, व्हाइट एलईडी डालकर, ठीक है? बाकी साइड की तरफ तो भाई अलॉय व्हील लगवा सकते हो आप, वो अलॉय व्हील्स तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, है ना? बाकी यहाँ पे आप जिसको मिरर चेंज करा सकते हो, मिरर चेंज करवा सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लोअर गार्निश लगेगा, क्रोम वाली लगना है, डोर वाइजर, हाँ लगना है, जैसे इसमें डोर वाइजर लगे, डोर वाइजर लगना है, डोर वाइजर लगने का इसमें। बाकी यहाँ पे भी ब्लैक क्रोम लगवा सकते हो, चाहो तो ब्लैक कप का और हैंडल का ब्लैक कप लगवा सकते, ठीक है? साइड बीडिंग लगती है इसमें? साइड बीडिंग लगवा सकते हो आप चाहो तो, एक पंच वाली आती है प्रॉपर, तो साइड बीडिंग का ऑप्शन आ सकता है। बाकी अंदर की तरफ क्या काम हो रहा है इसमें? अंदर की तरफ भैया भी सेंटर लॉकिंग हो रही है, वो देखो एंड्रॉइड लग रहा है, ठीक है? और कंपोनेंट वगैरह लग रहा है, कंपोनेंट उधर लग गया, इधर लग रहा है, बाकी है। स्पीकर किसके लग रहे हैं इसमें? JBL के भैया, स्टेज 1, स्टेज 2। आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल? हाँ जी, आगे स्टेज 2 का कंपोनेंट, पीछे स्टेज 1 का कोएक्सियल, ठीक है? और ये बताने वाले सीट कवर अभी नहीं लग रहे हैं इसमें? सीट कवर भैया कल लगेंगे, कल लगने हैं ना? हाँ जी। सीट कवर मिलाने के बाद गाड़ी का 20-25 के आसपास का गया है बजट। बाकी रूफ रेल इसमें लग रही है बाहर से? रूफ रेल लगती है पर भैया को लगवानी नहीं है। अच्छा भैया नहीं लगवा रहे हैं। बाकी सेंटर लॉकिंग लग रही है, जिसमें सेंटर लॉकिंग लग रही है, ये किसकी लग रही है भैया? आरडी कंपनी की लग रही है। ये आरडी की लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं भैया, 3 साल की इसकी वारंटी आती है, जहाँ मर्जी पूरा होम सर्विस मिलता है आपको। पक्की बात? पक्की बात भैया, ठीक है भाई। बाकी पीछे से कुछ काम हो रहा है इसमें? पीछे से भैया स्पॉइलर लगना है। अच्छा, वो स्पॉइलर और सीट कवर कल लगेगा? स्पॉइलर सीट कवर अभी कल लगना है। बाकी ये मतलब ये मान लो मेन चीज इस गाड़ी में लग रही है, ठीक है? तो जिसका बजट 20-25 हज़ार का, अलॉय व्हील्स का क्या ऑप्शन है? अलॉय व्हील्स का ऑप्शन बताया था 24 से 32 हज़ार के बीच में आप लगवा लो, टाटा के ओरिजिनल वाले, है ना? बहुत कम लोग ही हैं जो भाई इसमें अलॉय व्हील लगवाते हैं, क्योंकि अलॉय व्हील के साथ गाड़ी का बजट थोड़ा ज़्यादा चले जाता है, ज़्यादा चले जाता है। बाकी भाई एक बार गाड़ी का काम हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी का फाइनल क्या कुछ लुक आया है। भाइयों गाड़ी का फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं बता दूं बेस मॉडल है भैया? हाँ जी भैया, बेस मॉडल, ठीक है? फ्रंट में इसमें सबसे पहले इस गाड़ी में लगे हैं फॉग लैंप लगे हैं, आरडी का इसमें फॉग लैंप लगा है, एक बार आप देख लो, जेनवन का भी इसमें ऑप्शन आता है, मिंडा का भी ऑप्शन आता है, मिंडा का ऑप्शन आता है पर मिंडा से बेटर होता है आरडी वाला। आरडी इसकी तो वारंटी होती है? 3 साल की वारंटी है, 3 साल की इसकी वारंटी रहने वाली है। प्लस इसमें आप व्हाइट बल्ब लग गए हैं, पार्किंग में येलो आते थे व्हाइट लग गए, आगे का क्रोम लग गया, रियर क्रोम। अच्छा ये फ्रंट क्रोम इस गाड़ी में लग गया, देख रहे हो? तो ये क्या जेनवन लगा किसका है? ये जेनवन लगा भैया, ठीक है? फ्रंट क्रोम इस गाड़ी में लग गया। साइड की तरफ मैं चलूँ, फ्रंट से ही कुछ काम हुआ है, साइड में अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले भाई इस गाड़ी में व्हील कवर लग गए हैं, ठीक है? अलॉय व्हील लगवाने की इसमें जरूरत ही नहीं है भाई, जो उसकी व्हील कवर है वही अलॉय व्हील का लुक दे रहे हैं। आप साइड से देख लो इस तरीके से गाड़ी का लुक निकल के आया, ठीक है? बाकी भैया क्या ऑप्शन आते हैं इसमें? और बाकी भैया आप इसका मिरर फोल्डिंग करवा सकते हो ऑटोमेटिक, ठीक है? इसका भैया आपको रूफ ये डोर वाइजर लगा है, डोर वाइजर इस गाड़ी में लग चुका है, ठीक है? रूफ रेल इस गाड़ी में लग गई है,
ब्लैक वाली देख लो आप, जेन्युइन लगी किसकी? जो जेन्युइन आती है पंच की वही लगा रखी है। जेन्युइन आती है? हाँ जी। फिर आपको जेन्युइन, आपको ये आ गया लोअर विंडो गार्निश, लोअर गार्निश लगी। ये भी जेन्युइन है? ये भी जेन्युइन है, ये छह पीस वाली है, पीछे तक आ रही है देख लो, आगे से पूरी आ रही है पूरी। प्लस यहाँ पे ब्लैक क्रोम लगवा सकते हो आप, ब्लैक कलर का जो आता है पट्टी, और ब्लैक का कैप डलवा सकते हो यहाँ पे, वो भी लग जाएगा। तो बाकी साइड से भाई लुक देख लो गाड़ी का, इस तरीके से कोई निकल के आया है। स्पॉइलर भी लगी है अभी, स्पॉइलर भी इस गाड़ी में लग चुका है, स्पॉइलर लग चुका है, स्पॉइलर लग चुका है फुल्ली एबीएस वाला, ये देख लो, वो भी बॉडी कलर, बॉडी कलर में सिर्फ स्पॉइलर लग गया। बाकी इसमें ऑल ब्लैक वाला भी ऑप्शन आता है? ऑल ब्लैक वाला भी आता है भैया, भैया को ऑल ब्लैक पसंद नहीं था, भैया को बॉडी कलर चाहिए थी, बॉडी कलर स्पॉइलर लग गया है। पीछे की तरफ इसमें रिफ्लेक्टर लग जाते हैं भैया? हाँ इसमें रिफ्लेक्टर लग जाते हैं भैया, रिफ्लेक्टर आप लगवा सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें नीचे और क्या ऑप्शन आता है? आप रिफ्लेक्टर लगवा सकते हो बस, ये भी चालू होती है लाइट? हाँ ये भी लाइट आप चालू करवा सकते हो, है ना। बाकी इसमें इसका बजट कितना बना भैया? इसका बजट भैया मात्र 14,000 रुपये, मात्र 14,000 रुपये। इस गाड़ी का जो बजट बना वो 14,000 का बना, मात्र 14,000 रुपये का। जो आपने दूसरी गाड़ी देखी थी, वो गाड़ी दूसरी थी, उसका बजट कितना था भैया? उसका बजट था भैया लगभग 20,000, उसका 20,000 का था, ठीक है। उस गाड़ी में और इस गाड़ी में मतलब काम में कितना कुछ अंतर है? थोड़ा बहुत का अंतर है उसका, जैसे सेंटर लॉकिंग वगैरह लगा था, ठीक है, इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं लगा है, ठीक है। सीट कवर इसमें लगे हैं, उसमें नहीं लगे थे? नहीं, सीट कवर का बजट के साथ वो 20,000 का। अच्छा, वो सीट कवर बजट के साथ था। सीट कवर उन्होंने अपना डिजाइन मुझे ऑर्डर देकर गए हैं, वो मैं आज रेडी करवा दूंगा और कल सुबह मॉर्निंग में मेरे पास गाड़ी लग जाएगी, ठीक है भाई। तो इस गाड़ी का 14,000 का बजट बना है। बाहर से मैं एक बार आइटम गिनवा दूँ, एक तो आपके फॉग लैंप लगे हैं, दूसरा रूफ रेल, पीछे आपका स्पॉइलर लगा है, क्रोम की गार्निश लगी है, इसका रेन वाइजर लगे हैं, बस यही कुछ काम और हुआ है। पार्किंग लाइट लगी, पार्किंग लाइट लगे, प्लस व्हील कैप इस गाड़ी में लग गए हैं, है ना। तो ये 5-6 काम हुए हैं इसमें बाहर से। बाकी अंदर की तरफ इसमें मैं ले चलूं, अंदर की तरफ इस गाड़ी में भाई सीट कवर लग गए हैं। ये सीट कवर कौन से है भैया? ये भैया फुल बकेट वाला, वही 5 साल गारंटी वाला आपका, ये देख लो, आपके फुली बकेट वाले सीट कवर लगे हैं 5 साल की गारंटी के साथ। एक बार फिनिशिंग चेक कर लो, एक भी आपको रिंकल दिखाई नहीं देगा भैया, बहुत जबरदस्त करा है। क्या प्राइसिंग है इसकी? मैं 4,000 रुपए में आपको विद फिटिंग लगा कर दे दूंगा। 4,000 में फिटिंग के साथ आपको मिलने वाले सीट कवर, वो भी 5 साल की गारंटी के साथ की। अगर कहीं पे पपड़ी आ जाए इसके, या कोई स्टिचिंग लूज हो जाए, या इसका फोम बैठ जाए, इसमें से स्मेल आने लग जाए, तो 5 साल के अंदर में मैं आपको चेंज करके नया लगा कर दूंगा। 5 साल की इसमें गारंटी मिलने वाली है कि नहीं? बाकी नीचे की तरफ इसमें फ्लोरिंग हुई है? नहीं भैया फ्लोरिंग नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला मैट ही डलवा लिया, जीएफएक्स का मैट डल गया इसमें। आप भाई सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन फिनिशिंग इसकी आती है, देख लो प्रॉपर फिनिशिंग है, 0-0, कोई ठंडा गरम कुछ भी गिरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, मतलब सबसे बढ़िया मैट है, है ना। बाकी अंदर की तरफ क्या कुछ हुआ भैया? स्टीयरिंग रैप हुआ है? स्टीयरिंग रैप हुआ है, वो मैं आपको उधर चल के दिखाता हूँ। बाकी अंदर सीट कवर, स्टीयरिंग रैप और मैट डले? हाँ जी हाँ जी, है ना। बाकी सिस्टम तो इसमें आता ही है? सिस्टम तो इसमें आता ही है, बाकी भैया को अभी और सिस्टम का इंफोटेनमेंट का काम करवाना है बस, लेकिन कहीं अभी इनको निकलना है इसलिए वो नेक्स्ट ट्रिप पे करवाए, है ना। स्पीकर भी इसमें आते नहीं आते? स्पीकर भैया कंपनी फिटेड आते हैं, वो पेपर कोन स्पीकर होते हैं। अच्छा हाँ जी। बाकी हारमन का भी इसमें ऑप्शन आता है? जेबीएल हारमन का भी ऑप्शन आता है, आप जेबीएल भी डलवा सकते हो, आप इन्फिनिटी भी डलवा लो, इन्फिनिटी का हारमन हो गया, या फिर मैं जो सजेस्ट करूंगा वो सबसे बढ़िया करूंगा, एवेटार का कंपोनेंट और स्पीकर डलवा लो, वो बढ़िया। इसलिए जितने भी पंच में हमने किया है वो सारा एवेटार का ही डाला है, एवेटार का ही हुआ है। हाँ जी, तो वो आपके पास ऑप्शन लेने वाला है। उसके साथ जो बजट आएगा अराउंड एंड्रॉइड स्पीकर्स कंपोनेंट के साथ आपका बजट अगर जाएगा, और इस गाड़ी में जितना काम हुआ है वो अगर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास का बजट जाएगा, 25-30 के बीच में सारा काम हो जाएगा। विद म्यूजिक सिस्टम? विद म्यूजिक सिस्टम, फुल्ली म्यूजिक सिस्टम के साथ, मतलब कंपोनेंट स्पीकर्स आपको एंड्रॉइड फ्रेम रियर कैमरा सबके साथ। कैमरा भी नहीं लगा क्योंकि सिस्टम नहीं लगा? नहीं लगा। तो वो 30-35,000 के आसपास खर्चा जाएगा? 25-30, 31 नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब मैक्स टू मैक्स 30, 31 नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भाई ने बढ़िया बता दिया। बाकी पीछे की सीट कवर का एक बार आप लुक चेक कर लो, देख लो आप, बढ़िया वाले सीट कवर, 5 साल की वारंटी मिलने वाली है इसकी, ठीक है। फिनिशिंग चेक कर लो, अगर भैया इसमें कोई क्या आर्मरेस्ट लगा नहीं लगा दोगे? हाँ आर्मरेस्ट लगा दूंगा भैया, बैक इसमें आगे में आ जाएगा आर्मरेस्ट, ठीक है। नहीं पीछे वाले सीट कवर पे, पीछे वाले में भैया फिर लगा तो दूंगा, पर उसके लिए जुगाड़ करना होगा, सीट काटनी पड़ेगी इसकी भी, सीट कटेगी। बाकी इसकी भी फिनिशिंग बढ़िया है, मतलब अच्छी खासी फिनिशिंग है भाई इसकी, बढ़िया पीछे के मैट डल गए, फिनिशिंग एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। जीएसएक्स के प्रॉपर मैट इस गाड़ी में डल चुके हैं। बाकी भाई अंदर की तरफ मैं आप दिखा दूँ, स्टीयरिंग रैप इस गाड़ी में हो चुका है, देख लो प्रॉपर फिनिशिंग है, प्लस स्टीयरिंग कंट्रोल इस गाड़ी में लग चुके हैं, ठीक है। बेस मॉडल में आपको बिल्कुल खाली मिलता है, बिल्कुल खाली, है ना। तो भैया जो स्टीयरिंग कंट्रोल लगे हैं ये जेन्युइन टाटा के हैं? हाँ जी भैया जेन्युइन टाटा के, आप देख लो, देख लो आप, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग है। ये कितने का लग जाएगा? ये आप सिर्फ कंट्रोल लगवाओगे तो मैं आपको 2500 रुपये में लगा दूंगा। 2500 में मिल जाएगा? 2500 रुपये में कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे किस तरफ क्या आता है?
भैया वो एक्स्ट्रा मतलब आप जब म्यूजिक सिस्टम का काम करवाओगे अच्छा, उसके कंट्रोल्स आते हैं बाकी यही कुछ है देखो अंदर से कंट्रोल वंट्रोल सब कुछ ही भाई इस गाड़ी में लग चुके हैं बाकी सिस्टम अभी नहीं लगा इस गाड़ी में ठीक है बाकी ये जो है ऑटो डिमिंग लगा दोगे हाँ भैया ये ऑटो डिम लगवा दूंगा ये भी आपके पास ऑप्शन है बाकी तो और मतलब अंदर से और क्या क्या ऑप्शन आते हैं इसमें अंदर से भैया आप एम्बियंस लाइट लगवा सकते हो इसमें ठीक है और जैसे कि अपना म्यूजिक सिस्टम का काम करवा सकते हो आप एक फ्लोरिंग जो भैया ने नहीं करवाई आप वो फ्लोरिंग करवा सकते हो आर्मरेस्ट लगवा सकते हो यहाँ पे आप आर्मरेस्ट लगवा सकते हो है ना बिल्कुल मतलब यही कुछ काम है भाई मतलब मैक्स टू मैक्स इस गाड़ी का 40-50 हजार में बढ़िया काम हो जाएगा 40 हजार में तो मैं फुल गाड़ी का अपडेट करके दे दूंगा आपको पूरी गाड़ी विदाउट एरर बस है ना तो यही था देखो आज की हमारी वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके बताना इस गाड़ी का बजट मात्र 14,000 रुपया आया इन सारे कामों का बजट मात्र ठीक है एक बार आइटम गिनवा दो मैं गिनवा देता हूँ आगे फॉग लैंप हो गई आगे की पार्किंग लाइट हो गई ठीक है व्हील कवर्स हो गए इसके ठीक है रेन वाइजर हो गए रूफ रेल हो गए स्पॉइलर हो गए सीट्स कवर हो गए जीएफएक्स की मैट हो गई स्टीयरिंग की रैप हो गई स्टीयरिंग कंट्रोल हो गई ये आपको रूफ की लाइट हो गई ये रूफ लाइट आती नहीं भैया यहाँ से ये यहाँ पे येलो लाइट आती है अच्छा ये येलो व्हाइट करी गई है ना व्हाइट कर दी प्लस व्हील कैप हो गए ये सारा काम 14,000 में हुआ और जो इससे पहले वाली आपने पंच देखी थी उसमें 20,000 रुपए का काम हुआ था ठीक है भाई तो यही कुछ है ऑप्शन अगर आपको आना म्यूजिक सिस्टम भी अपडेट हुआ था ना उसमें आपको JBL का स्टेज 2 का कंपोनेंट लगा था स्टेज 1 का आपको कोएक्सल लगा था आपको एंड्रॉइड लगी थी जीवा की ठीक है तो यही कुछ काम हुआ था उसमें मैक्स टू मैक्स 40,000 में बढ़िया काम हो जाएगा इस गाड़ी में आपको पूरा बढ़िया है ना भाई आना भाई के पास आना बाकी भैया को डिस्काउंट चल रहा है बिल्कुल भैया खुश कर भेजेंगे और बताओ पक्की बात है ना पक्की बात है सीट कवर लगवाओगे हमारे से फ्लोरिंग तो फ्री में ही डाल देंगे आपको अच्छा सीट कवर के साथ फ्लोरिंग फ्लोरिंग फ्री तो ये देख लो भाई ने बढ़िया ऑफर बता दिया बाकी एड्रेस बता दो अगर कोई आना चाह रहा है तो भैया पूसा रोड 17 नंबर रोड आपको शॉप नंबर 2 करोल बाग ऑटो बेस्ट कार डिक और पिलर नंबर 92 के पास नियर बाय करीम्स घुसते सारी भैया की पहली शॉप है पहली करीम्स है दूसरी हमारी शॉप है मतलब एसेसरीज की हमारी पहली शॉप है मंडे ओपन होती है हाँ जी भैया 7 डेज ओपन रहती है बाकी आना भाई के साथ ठीक है फ्लोरिंग के साथ सीट कवर के साथ फ्लोरिंग फ्री भाई ऑफर दे रहा है ठीक है अब चलते हैं कस्टमर से उनसे जानते हैं गाड़ी का काम कैसा लगा जितना भी काम हुआ ये ऑटो बेस्ट कार डेकोर पे हुआ है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा कॉल करके आना 7 डेज भाई की शॉप होती है ओपन उससे सारी भाई भैया की पहली शॉप है यहाँ पे ऑटो बेस्ट कार डेकोर तो जी भैया जिन भैया की गाड़ी हमारे साथ दे रहे भैया क्या नाम है आपका पुनीत तो भैया कहाँ से आए हैं आप हम आए हैं यहाँ ठीक है तो गाड़ी का काम भैया कैसा लगा काम बहुत अच्छा था इनने बहुत बढ़िया से काम किया है और बहुत अच्छे इसका व्यवहार भी हुआ हमें बहुत अच्छा लगा काम बढ़िया लगा है तो यहाँ के बारे में भैया कैसे पता चला हम आए थे यहाँ तो पहली शॉप थी तो वहीं आ गए अच्छा तो इनका रेट भी अच्छा लगा हमें तो इसलिए से करवा लिया मतलब डिस्काउंट दिया भैया ने हाँ डिस्काउंट दिया कितना खर्चा आया भैया 14,000 रुपये के आसपास खर्चा आया तो अगर कोई आपकी वीडियो देख के आना चाह रहा है रिकमेंड करोगे बिल्कुल पक्की बात है बाकी शौकत भाई डिस्काउंट का क्या कुछ चल रहा है मेरे मालिक बस आपके थ्रू कोई गाड़ी है तो हमने अभी भी ऑफर दे रखा है कि पहले गाड़ी पे सीट कवर फ्री ठीक है भाई तो ये भैया ने बता रखा क्लियर बाकी भैया फुली सेटिस्फाई है और लोगों को भी मतलब रिकमेंड करोगे हाँ बिल्कुल ठीक है आइए आप ठीक है भाई तो जी भाइयों ये था टाटा पंच में इस तरीके से काम करा सकते हैं आप मात्र 14,000 रुपये का इस गाड़ी में आया खर्चा और जो पहली वाली पंच में था उसमें 20,000 रुपये खर्चा आया था ठीक है भाई बाकी यही था कैसी लगी कमेंट करके बताना अगर आप फुली बेस्ट टॉप करवा रहे हैं तो भैया कितने में हो जाएगी 40,000 में 40,000 के आसपास में पूरी बेस्ट टू टॉप कर दूंगा मैं और बताऊँ पूरी हो जाएगी है ना हो जाएगी बाकी कैसा लगा कमेंट करके बताना आना भाई को सपोर्ट करना ठीक है बाकी ऐसी प्यार बनाए रखो सपोर्ट बनाए रखो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।